बताइए कि क्या हुआ है। बैठक में बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई है। ट्रस्टियों का जो कहना था कि हम हमारी जो है परंपरा के साथ है और वही परंपरा हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसको हमने जो कहा कि ये 400 साल की परंपरा नहीं है, आपके प्रूफ दिखाई, उनको कुछ भी प्रूफ दिखाने नहीं आया और उन्होंने भी कुछ चार कदम पीछे आए हैं। बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई है और जल्द से जल्द प्रवेश शुरू हो जाएगा, यही हमें ठाम विश्वास। मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के पाले में अब गेंद डाली गई है, उस बारे में बताइए। यस, अभी जो सब जो बैठक हुई है तो जिलाधिकारी और एसपीजी ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा और सीएम जो है वो यहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो हमें लगता है कि ये संविधान ने दिया हुआ हक और जो परंपरा है ही नहीं और महिलाओं को वहां पे जो रोका जा रहा है, तो वो महिलाओं को तुरंत प्रवेश खुला किया जाए, ये जो हमारी मांग है वो सकारात्मक है। और जो कलेक्टर थे, एसपी थे, सबने जो कहा है कि ये सकारात्मक इनकी जो मांग है, तो उसे ट्रस्टियों ने भी चार कदम पीछे आना चाहिए। और आज ट्रस्टी भी पॉजिटिव, शुरुआत में पॉजिटिव नहीं थे मैडम, लेकिन क्या सीएम जो भी फैसला लेंगे आपको मानना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीएम महिलाओं के बाजू में फैसला लेंगे, हमारी जो बाजू है वो कितनी सही है ये इनको पता है और सीएम जो डिसीजन लेंगे वो जल्द से जल्द। बाकी पक्षों ने भी यही कहा है कि सीएम का फैसला उनको मान्य होगा। हाँ, उन्होंने भी कहा है कि सीएम जो डिसीजन लेंगे वो ट्रस्टियों को भी मान्य होगा और हमें भी मान्य होगा और महिलाओं को तुरंत प्रवेश खुला करेंगे सीएम, ये हमें ठाम विश्वास है। क्योंकि हमारे जो भूमि के जो सहमति थी वो सीएम ने हमें सपोर्ट किया था और जल्द से जल्द सीएम जो हमारे साथ शनि चौतरे पे आएंगे और दर्शन लेंगे। जो ट्रस्ट की ओर से नरमी बरती गई जो है, शुरुआत में वो लोग अडिक थे अपने स्टैंड पर, बाद में नरमी बरती गई, तो किस तरह से उन्होंने नरमी बरती, क्या उन्होंने कहा? हाँ, शुरुआत को उनका कहना था कि हम परंपरा जो है वो बिल्कुल तोड़ने नहीं देंगे। जो हमने कहा कि ये परंपरा नहीं है, ये 400 साल के जो आप बोल रहे हैं वो सब झूठ है। जिन महिलाओं ने प्रवेश किया है वो हमारे पास महिलाएं हैं, हमने वहां पे उन्होंने कहा कि वहां पे जेंट्स नहीं जाते हैं, तो जेंट्स वहां पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, इसके प्रूफ हमारे पास थे, वो हमने वहां पे दिखाए है। तो उनको कुछ वहां पे मतलब उनका मानना जो है वो उनको थोड़ा सा पीछे आना पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ भी जो है वो मतलब इतना जो पावरफुल कुछ नहीं था। और उनको मैंने विनती भी की ट्रस्टियों से कि आपको अगर कुछ ऐसा लगा है तो हम भी विनती करते हैं कि आपके अध्यक्ष भी एक ट्रस्टी जो है वो महिला है, तो आप तुरंत जो है वो महिलाओं को प्रवेश शुरू करके महाराष्ट्र में एक नया आदर्श ये करिए। ये जो क्रांति की शुरुआत हुई है, शनि मंदिर से अगर महिलाओं को प्रवेश शुरू हो जाएगा तो भारत में एक नया आदर्श निर्माण होगा। मैडम, मराठी संघ आजच्या बैठकीत काय झालं? मैडम, आजच्या बैठकीत काय झालं? मराठी संघ नाही नाही, सीएम निगेटिव्ह डिसिजन घेणार नाही ते आम्हाला मान्य आहे आणि सीएम सकारात्मक डिसिजन घेतील, महिलांना तिथं सोडलं जाईल चौथऱ्यावर प्रवेश, एवढी सकारात्मक चर्चा। कारण धर्मदाय आयुक्तांचं जे बोलणं होतं तो संविधानाचं पालन केलं पाहिजे अशीच होती, कलेक्टरनी शेवटी जे काही सांगितलं त्याच्यामध्ये संविधानाचा आदर केला पाहिजे हेच म्हणणं होतं आणि एसपीनी जे सांगितलं की राज्यघटनेनं जो अधिकार दिलेला आहे तो सगळ्यांना मिळाला पाहिजे, त्यामुळे आमच्या बाजूने पूर्णपणे सकारात्मक चर्चा झालेली आहे आणि मुख्यमंत्री महिलांच्या बाजूनेच सकारात्मक निर्णय घेतील असा। मॅडम, थोडक्यात सांगा की बैठक का सुरू झाल्यानंतर काय काय झालं बैठकीत? बैठक जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा आम्ही आमचं काही जी मतं मांडली की शनिश्वर देवस्थान ट्रस्टने जे सांगितलं होतं की शनि शिंगणापूर म्हणजे शनिदेवाच्या शिळेतून जी स्पंदनं येतात त्याच्यातून महिलांना जो ओटीपोटी ओटीपोटावर किंवा जो काही परिणाम होतो, मग आम्ही त्यांना सांगितलं हा फक्त शनि शिंगणापूरच्या शनीतूनच येतो का, भारतामध्ये जेवढी काही शनीचे मंदिरं असतील तिथून सगळी स्पंदन आली पाहिजे आणि परंपरा ही जर असेल तर सगळ्याच देवस्थानामध्ये असली पाहिजे। त्यांना तो मुद्दा सांगता आला नाही, त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडता आलं नाही, कारण हे जे सांगत होते ते पूर्ण खोटं होतं हे त्यांना आज माहीत झालंय आणि आज देशभरातून जो काही प्रतिसाद महिलांच्या बाजूने आणि आमच्या भूमाता ब्रिगेडला मिळतोय खऱ्या अर्थाने ही आमची जीत आहे। आणि आजची जी चर्चा झाली त्याच्यामध्ये ट्रस्टी कुठंतरी चार पावलं मागं आलेले आहेत आणि सकारात्मक निर्णय होईल, मुख्यमंत्री
प्रवेश खुला करतील एवढं मात्र आम्हाला समोर सांगितलं. मॅडम, मीटिंग संपल्यावर त्यांनी तेच सांगितलं की आम्ही जे आहे ते म्हणणं आता मुख्यमंत्र्यांना पाठवू, संविधानाचा आदर झाला पाहिजे आणि प्रशासनावरही कुठे टीका झाली नाही पाहिजे अशा पद्धतीने आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल आणि आम्ही तो लवकरात लवकर. सर्व पक्षांनी बैठकीत जे सामील होते त्यांनी काय सांगितलं, त्यांना मान्य होणार मुख्यमंत्री यांच्या? हो, ट्रस्टींनी सांगितलेलं आहे आणि आमच्या संघटनेनेही सांगितलं की मुख्यमंत्री जो काही निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल. आणि आम्हाला माहिती आहे की मुख्यमंत्री हे 21व्या शतकातील आहेत, परिवर्तनवादी आहेत आणि महिलांच्या बाजूने सक्षमपणे उभे राहतील. आणि भूमाता ब्रिगेडच्या जी मागणी आहे की महिलांना प्रवेश खुला करावा, तर ते तातडीनं प्रवेश खुला करतील हा आम्हाला त्यांच्यावर ठाम विश्वास आहे. आणि या संदर्भात मंगळवारी किंवा बुधवारी त्यांची वेळ घेऊन मंत्रालयात आम्ही त्यांना भेटणार आहोत आणि लवकरात लवकर हे डिसिजन त्यांनी घ्यावं अशी विनंती करणार आहोत. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.